कहानी परफेक्ट शादी। प्रभा अपनी फर्स्ट नाइट पर फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभिलाष अभी तक नहीं आया था। शादी की रस्मों से प्रभा बहुत थक चुकी थी और नरम बिस्तर मिलते ही उसे नींद आने लगी। प्रभा ने जैसे तैसे 10:30 बजे तक अभिलाष का इंतजार किया, लेकिन अब पलके बोझिल होने लगी थी। सुबह जब आंखें खुली तो 7 बज चुके थे और प्रभा की छोटी ननद दरवाजा बजाकर धीमी आवाज में बोल रही थी, अरे भाभी दरवाजा खोलिए। प्रभा का शरीर मारे अकड़न के दर्द कर रहा था। उसने देखा कि रात भर उसका पति अभिलाष कमरे में आया ही नहीं। फिर जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग भाभी, भैया ने आपके लिए चाय भिजवाई है। हाथ में चाय लिए ननद ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। प्रभा ने धीमी आवाज में गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और बोली, आपके भैया रात भर घर नहीं आए थे क्या? अरे भैया को उनके दोस्तों ने खूब पिला दी थी रात, तो छत पर ही सो गए थे। बाबूजी ने खूब सुनाया है सुबह उनको, लेकिन अब मारे शर्म के नहीं आ पा रहे हैं आपके सामने। छोटी नरत ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप उनसे कहना कि मैं नाराज नहीं हूँ, आकर तैयार हो जाए, पग फेरे के लिए चलना है उनको आज, प्रभा ने थोड़ा तनाव में कहा। जी भाभी, मैं ऐसे ही कह देती हूँ। छोटी ननद ऐसा कहकर वहां से चली गई। प्रभा हाथ में चाय लिए हुए कमरे में वापस आकर कमरे को गौर से देखने लगी। कमरे में रखी 2 लकड़ी की अलमारियां, जिनमें से एक अब प्रभा की थी। बेड के पास रखी एक टेबल जिस पर एक टू डू लिस्ट नाम से एक डायरी रखी हुई थी। शायद अभिलाष उसे वहां से उठाना भूल गया था। टू डू लिस्ट को देखकर प्रभा ने कहा, टू डू लिस्ट? कोई इंसान टू डू लिस्ट बनाकर कैसे जी सकता है? भला जीने के भी कोई नियम होते हैं? खैर मुझे क्या। ये कहते हुए उसने वो टू डू लिस्ट उसी टेबल पर वापस रख दी और नहाने चली गई। जब प्रभा नहाकर वापस आई तो उसके गीले बालों से आती खुशबू से अभिलाष थोड़ा बेचैन सा होने लगा। प्रभा गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिलाष को प्रभा का दबा हुआ रंग और उभरे हुए नयन नक्श बहुत प्रभावित कर रहे थे। प्रभा ने देखा कि अभिलाष रूम में रखी चेयर पर बैठा है और टेबल पर से वो रूल बुक अब गायब थी। छिपा दी होगी अभिलाष ने। अभिलाष ने प्रभा को देखकर उससे नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभा, और कहते हुए कुर्सी से उठ गया। प्रभा ने बहुत सरलता से जवाब दिया, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे ज़रा भी नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ होने के लिए हक होना चाहिए जो हम दोनों का ही एक दूसरे पर नहीं है, तो आपको पति जैसी कोई फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप नहाकर तैयार हो जाइए, खुर्जा के लिए निकलना है। प्रभा खुर्जा से ताल्लुक रखती है और अभिलाष बुलंदशहर से। पहली बार प्रभा को मिलने आए अभिलाष से प्रभा ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दिए धोखे की कहानी साफ साफ कह दी थी, और साथ में वो किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं है जैसी एक सपाट सी लाइन भी उसने अभिलाष से कही थी। प्रभा म्यूजिक में ग्रेजुएट थी और आगे इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। सादे से सूट में बिना किसी साज श्रृंगार के प्रभा अभिलाष को बहुत अच्छी लगी। अभिलाष का मानना था कि जो इंसान साफ बोलता है उसका मन भी उतना ही साफ होता है, और साथ रहते रहते किसी टूटे दिल वाले इंसान का भरोसा जीत कर उसे हमेशा के लिए अपना बनाया जा सकता है, और ऐसा इंसान अपने रिश्ते को लेकर बहुत सहज होता है। यही उसने प्रभा के लिए सोचा। अभिलाष प्रभा के सरल और साफ बोलने की कला का कायल हो गया। वो खुले विचारों का था, तो एक्स बॉयफ्रेंड जैसी चीजें उसे नहीं चुभी? चुभी तो किसी से भी शादी कर लेने की बात। अभिलाष पहली ही मुलाकात में प्रभा को पसंद करने लगा था, तो उसे लगा कि कहीं प्रभा की शादी किसी ऐसे लड़के से ना हो जाए जो उसे समझे ही नहीं, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। प्रभा को लगा कि क्यों ये सब जानकर भी कोई उससे शादी करने को तैयार हो गया। खैर अब शादी हो गई थी तो इसे निभाना प्रभा ने अपना कर्तव्य समझा। अभिलाष ने प्रभा को रिश्ते के लिए हाँ कहने से पहले बस एक बात कही, जब तक आप इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेती, हम दोस्त बनकर इसे निभाएंगे। प्रभा के दिल में उसी दिन से अभिलाष के लिए इज्जत आ गई थी। पग फेरे के लिए जाते वक्त अभिलाष ने प्रभा की पसंद की शर्ट पहनी,
तो प्रभा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मायके पहुंचने के बाद प्रभा अपने परिवार वालों के साथ बिजी हो गई। सबको जानना था कि परिवार के लोग और खास करके अभिलाष कैसे हैं। अभिलाष के नाम पर प्रभा को याद आया कि अभिलाष ने घर में घुसने से पहले उसके हाथ में एक पैकेट दिया था और कहा था, जब आप अंदर जाएं तो खोल लेना। किसी को जवाब दिए बिना ही वो उस पैकेट को खोलने लगी। प्रभा का दिल मानो जोरों से धड़कने लगा। उस पैकेट में उसके सभी छोटे भाई बहनों के लिए तोहफे थे, उनकी पसंद के तोहफे, उनके नाम के साथ। जैसे प्रभा की छोटी बहन के लिए उसकी पसंद का टैडी बियर और छोटे भाई के लिए क्रिकेट किट। प्रभा की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अभिलाष ने पता किया ये सब इतनी जल्दी। छोटे भाई को जब अपनी क्रिकेट किट के बारे में पता चला तो उसने प्रभा से कहा, जीजा जी ने परसों मुझसे सबके बारे में पूछा था कि किसको क्या पसंद है और बोले कि तुम्हारी दीदी तुम सबके लिए कुछ लाना चाहती है, तो मैंने बता दिया सबकी पसंद का सब कुछ। दीदी तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो शादी के बाद। और एक बात बताऊं, जीजा जी ने तुम्हारा फेवरेट कलर भी पूछा था मुझसे, तब भी आज नीली शर्ट पहनकर आए हैं जीजा जी। छोटे भाई की इस बात पर वहां बैठे प्रभा के बाकी भाई बहन हंसने लगे। प्रभा अभिलाष से प्यार नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी उसकी नजरों में और उसके दिल में। वापस ससुराल आकर प्रभा ने अभिलाष से पूछा, इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अभिलाष ने जवाब में कहा, जरूरत कैसे नहीं थी, अक्सर शादी के बाद लड़कियां अपने भाई बहन के लिए तोहफे लेकर जाती हैं। आपके भाई बहन मेरे भी तो भाई बहन हुए ना। इतना कहकर अभिलाष नहाने चला गया और प्रभा ने मन ही मन खुश होते हुए बेड के पास वाली टेबल के दराज से वो टू डू लिस्ट निकाल कर देखनी चाही कि अभिलाष कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। वो जानती थी कि किसी की पर्सनल चीज़ें छूना गलत है, लेकिन वो भी अभिलाष को कुछ कुछ जानना चाहती थी, तो उसने उस दराज को खोलकर वो डायरी निकाल ली। उसने जब वो टू डू लिस्ट देखी तो वो चौंक गई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, प्रभा को झूठ से सख्त नफरत है, उसका फेवरेट कलर ब्लू है। और दूसरे पन्ने पर लिखा था, उसे सुबह को अदरक वाली चाय पसंद है और शाम को क्लासिकल म्यूजिक सुनना तो सोने पर सुहागा जैसी बात होती है उसके लिए। अभी जान रहा हूँ अपनी पत्नी के बारे में, जिस दिन उसको पूरी तरह से जान जाऊंगा तो एक अच्छा पति बन जाऊंगा। अभिलाष के नहाकर आने से पहले ही प्रभा ने वो टू डू लिस्ट वापस वहीं छिपा कर रख दी और छोटी ननद से पता करके अभिलाष के लिए उसकी पसंद की डार्क कॉफी बना लाई थी। कुछ देर बाद जब अभिलाष नहाकर आया तो उसने म्यूजिक प्लेयर पर एक गजल लगा दी, प्रभा की फेवरेट गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अभिलाष की पसंद की कॉफी और प्रभा की पसंद की गजल के साथ एक नई मिठास और सुर के साथ एक परफेक्ट शादी की शुरुआत हो रही थी।